आज के इस लेक्चर वीडियो में हम मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट पढ़ेंगे जो कि एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग का एक पार्ट है। सो यहाँ पे एक बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये थिकनेस है जो कि नीचे 0.9 मीटर है, ये 0.6 मीटर है। जैसे 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 फाउंडेशन से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं तो विड्थ जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ 0.9 मीटर है, यहाँ 0.6 मीटर है, 0.5 है, 0.4 है, और फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ब्रिक मैसनरी है जिसकी थिकनेस है वो 0.3 मीटर है। सो ये 0.3 मीटर वाले का हमने प्लान ड्रॉ किया। हम जस्ट इसका एक एग्जाम्पल है कि समझ लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हमने ये 0.3 मीटर वाले का प्लान प्लॉट किया है यहाँ पे। सो ये थिकनेस यहाँ पे है, ये 0.3 मीटर है, ये लेंथ है ये 5 मीटर है, ये वाली लेंथ है ये 4 मीटर है, और हमें ये जो येलो कलर में शेडेड है ये एरिया निकालना है। ये एरिया अपने पास आ गया एक बार, तो हम इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। सो ये निकालने के लिए, ये शेडेड एरिया निकालने के लिए हम इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे लाइन्स प्लॉट कर दी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो अब ये टोटल है ये रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे टोटल रेक्टेंगल बन रहे हैं, पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा और ये फोर्थ रेक्टेंगल हो गया। अब इस वाले रेक्टेंगल का मुझे ये एरिया निकालना हो तो थिकनेस तो मुझे पता है और लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जैसे 5 मीटर है, 5 मीटर है इनर से इनर तक, तो आउटर से आउटर तक कितनी हो जाएगा, ये वाली लेंथ निकालनी है तो ये हो जाएगी 5 प्लस ये वाली डिस्टेंस 0.3, ये जो थिकनेस इधर की साइड थिकनेस है ये, और 0.3 हो जाएगा इधर की साइड का एंड, तो 0.3 प्लस 0.3 ये हो गया इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ, और थिकनेस है वो 0.3 मीटर है, तो इसको 0.3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया रेक्टेंगल वन का एरिया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्योंकि 1 और 3 सेम है रेक्टेंगल, तो इसका और इसका एरिया सेम होगा, तो ये जो भी आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस शॉर्ट ये जो दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ है वो 4 मीटर है। सो 4 मीटर इंटू 0.3 मीटर, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऐसे सेम दो रेक्टेंगल बन रहे। कौन से बन रहे, एक सेकेंड वाला और एक फोर्थ वाला। तो कुछ नहीं है, इसी को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक वॉल को कर दिया है लॉन्ग, इस वाली वॉल को हमने लॉन्ग कर दिया क्योंकि हमने ये थिकनेस भी इसी में इंक्लूड कर दी सारी की सारी। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल, और इसको वाली को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल, और इस वाली वॉल को बोलते हैं शॉर्ट वॉल। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है कि जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसको लॉन्ग वॉल बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें भी हमने विड्थ को इंक्लूड कर दिया है, ये वॉल थी इसमें हमने सारी की सारी विड्थ इस वॉल में इधर वाले में इंक्लूड कर दी, तो ये लॉन्ग वॉल हो गई। दूसरी वाली को भी हम लॉन्ग वॉल बोल सकते थे, किस केस में, अगर हम इस तरीके से प्लॉट बनाते, इसका जो रेक्टेंगल्स हमने बनाए वो इस तरीके से अगर हम बनाए, इस तरीके से यहाँ से मिला दिया और इसी टाइप से यहाँ से मिला दिया। अब लेंथ है वो, इसकी विड्थ जो है वो हमने इस वाली वॉल में ऐड कर दिए, तो अब ये वाली हो जाएगी लॉन्ग वॉल, और ये वाली वॉल कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस वाली वॉल को आप बोलेंगे शॉर्ट वॉल। तो यही है सिंपल ज्योमेट्री जो कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है। थिकनेस को एक साइड की वॉल में ऐड कर देते हैं, तो इस टाइप से हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये मेथड है, सिंपल मेथड है कैलकुलेशन में, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, और ये मेथड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे PWD वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में हम सेंटर लाइन की टोटल लेंथ कैलकुलेट करते हैं और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ये सेंटर लाइन है जी, यहाँ पे जो प्लॉट की हुई, तो ये वाली लेंथ कैलकुलेट करेंगे, इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। कैसे आएगा, सेम ये भी रेक्टेंगल की फॉर्म में हम कर सकते हैं,
जैसे कि हमने ये सेंटर लाइन की लेंथ थी, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आई और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आई, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आई। सो इसको हम थिकनेस से विड्थ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है इसका ये वाला एरिया। ओके, सेम ये चीज इधर की साइड कर रहे हैं। इधर की साइड हम कहाँ से कहाँ की डिस्टेंस ले रहे हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस ले रहे हैं। तो इनके बीच अगर हम रेक्टेंगल प्लॉट करें तो वो आएगा कुछ इस तरीके से। तो इसको हम विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये वाला एरिया, सेम इधर भी होगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ एरिया है जो कि हम स्किप कर रहे हैं और कुछ एरिया है जो कि हम दो बार ले रहे हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है इसको हमने दो बार कैलकुलेट किया, ये इस वाली रेक्टेंगल में भी आया, ये इस वाले रेक्टेंगल में भी आया, इसको दो बार कैलकुलेट किया। लेकिन ये वाला स्क्वायर था इसको एक बार भी कैलकुलेट नहीं किया, तो ये कंपनसेट हो जाता है। सो ये कंपनसेट हो जाएगा और अपने पास जो एरिया आएगा वो एक्यूरेट, इसका जो एक्चुअल एरिया है वही आएगा, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये सेंटर लाइन मेथड है। क्या करना है, सिंपली सेंटर लाइन की लेंथ कैलकुलेट करते हैं और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करते, सॉरी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ है ये 4 मीटर है और मान लिया हमने कि यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली डिस्टेंस है ये 5 मीटर है। तो टोटल सेंटर लाइन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पे थिकनेस हम अज्यूम कर रहे हैं कि थ्रू आउट थिकनेस जो है वो 0.3 मीटर ही है। इसकी भी 0.3 मीटर है, यहाँ पे भी 0.3 मीटर है, ये भी 0.3 मीटर है। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आउटर वाला, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे 4 मीटर, लेकिन हमें चाहिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ओनली ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर लाइन की डिस्टेंस तो ये इतनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 4 मीटर में से 0.3 मीटर माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे थिकनेस कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 4, ये 4, इसमें से माइनस कितना करना है, 0.3 का आधा यहाँ पे है और ये 0.3 का आधा यहाँ पे है, तो टोटल कर देंगे माइनस 0.3, मतलब बाहर आउटर से आउटर की जो टोटल लेंथ थी उसमें से हमने जो विड्थ थी उसकी उसको माइनस कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया 4 माइनस 0.3। इसी टाइप से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी सेम 5, ये डिस्टेंस माइनस करनी है और ये डिस्टेंस माइनस करनी है, तो ये विड्थ का आधा है और ये भी विड्थ का आधा है, तो ये दोनों 5, ये 5 में से भी माइनस 0.3 घटा दिया। इसको ऐड करेंगे, इसको ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस क्यों करेंगे, क्योंकि जितनी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है उतना ही इधर भी सेम डिस्टेंस है, प्लस ये जो आ रहा है 4 माइनस 0.3 या 3.7, तो 3.7 को भी यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे क्योंकि ये भी सेम दो ऐसे रेक्टेंगल्स आ रहे हैं। सो ये यहाँ पे आ गई टोटल सेंटर लाइन की लेंथ और इसको हम कर देंगे 0.3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 0.3 है वो इसकी विड्थ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये शेडेड वाला एरिया है ये आ जाएगा, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसको अब जैसे दूसरा वाला ये पार्ट है 0.4 मीटर विड्थ वाला, इसके लिए कैलकुलेट करना है तो भी सेम ही चीज़ें हो जाएंगी, जहाँ पे विड्थ आ रहा है 0.3 आ रहा है वहाँ वहाँ पे 0.4 आ जाएगा। सो इसके अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल एज वन मूव फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स में शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम अर्थवर्क से ब्रिक वर्क की तरफ सुपर स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो पहली बात तो फाउंडेशन की विड्थ हमेशा ज़्यादा होती है सुपर स्ट्रक्चर से, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि ऊपर की तरफ जाते हैं अर्थवर्क से
जो विड्थ है स्ट्रक्चर की वो कम होती जाती है। सो आपने यहाँ पे ये प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये जो रेड कलर में दिखाया हुआ है ये अर्थवर्क है। यहाँ पे अर्थवर्क के टाइम, फाउंडेशन के टाइम इतनी थिकनेस थी, और सुपर स्ट्रक्चर जब बनने लगा तो थिकनेस इतनी होगी, सेंटर लाइन वही रहती है, सेंटर लाइन के अराउंड होती है वो थिकनेस। तो पहले थिकनेस थी वो इतनी थी, ये थी सुपर स्ट्रक्चर की, सॉरी फाउंडेशन की थिकनेस जो कि रेड कलर में दिखाया गया है, और जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है ये है सुपर स्ट्रक्चर की थिकनेस। अब लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जैसे कि हम इसको लॉन्ग वॉल मान रहे हैं, इसको लॉन्ग वॉल मान रहे हैं, तो पहले हम अर्थवर्क वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो लॉन्ग वॉल मेथड से हम करने के लिए इसको इस तरीके से मिला देते हैं रेक्टेंगल्स बनाने के लिए, ये हमने मिला दिया सिंपल। तो इस केस में ये थी शॉर्ट वॉल की लेंथ। अब हमें कैलकुलेट करना है सुपर स्ट्रक्चर के लिए। सुपर स्ट्रक्चर किसको, कौन सा वाला है, ये ब्लैक लाइन वाला, जो ब्लैक लाइन है ये सुपर स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड लगाएंगे। तो इस टाइप से हमने ये लॉन्ग वॉल बना दी, सेम इस टाइप से यहाँ पे मिला दिया, इस टाइप से यहाँ पे मिला दिया। अब लॉन्ग वॉल कौन सी बन रही है, पहले बन रही थी लॉन्ग वॉल ये वाली, अभी लॉन्ग वॉल बन रही है ये वाली। शॉर्ट वॉल पहले बन रही थी ये वाली, क्योंकि हमने ऐसे मिलाया था इसको। अब शॉर्ट वॉल कौन सी बन रही है, अब हमने यहाँ से मिला दिया, तो अब शॉर्ट वॉल बनेगी वो बनेगी यहाँ पे। थोड़ा सा ये कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर में हमने प्लॉट किया तो इसको रेड कलर में कर देते हैं। रेड कलर में ये वाली जो लाइन है ये शॉर्ट वॉल है, रेड कलर में जो स्ट्रक्चर है जो कि है फाउंडेशन, तो उस टाइम शॉर्ट वॉल की लेंथ थी इतनी, और अब यहाँ पे शॉर्ट वॉल की लेंथ हो गई है यहाँ तक, क्योंकि इसको हम लॉन्ग वॉल बनाने के लिए इस टाइप से मिलाया। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इंक्रीज हो रही है, जो शॉर्ट वॉल की लेंथ थी वो इंक्रीज हो रही है। अगर थिकनेस कम होएगी तो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो इंक्रीज होगी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, इन द सेंटर लाइन मेथड ऑफ वर्किंग आउट वॉल्यूम्स फॉर क्रॉस वॉल्स व्हाट डिडक्शन मस्ट बी मेड फ्रॉम द सेंटर लाइन लेंथ एट ईच जंक्शन। ये है यहाँ पे, ये तो हमने पहले पढ़ा था, उसमें ऐसे एक रेक्टेंगल ही था, इसमें यहाँ पे ये वाली वॉल एक्स्ट्रा है, इस वॉल को हम बोलते हैं क्रॉस वॉल। तो ये क्रॉस वॉल यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है, तो इसके लिए हमें कुछ डिडक्शंस करने पड़ते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि डिडक्शंस करने क्यों पड़ते हैं हमें, जब हम सेंटर लाइन सिर्फ बाहर वाली की जो थी उसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे तब तो कुछ डिडक्शन नहीं करने पड़ रहे थे। सो इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम कैलकुलेट कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल ये है सेंटर लाइन, तो इसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करके उसको हम कर रहे थे वॉल की जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई। ओके, अब जब हम उसको मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पे ये वाला एरिया सारा हम ले चुके हैं। हमने भी पढ़ा था कि अगर इसकी थिकनेस से, वॉल की थिकनेस से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो भी एरिया है ये सारा एरिया हम कवर कर चुके हैं। अब जब हम क्रॉस वॉल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सेंटर लाइन मेथड है तो सेंटर टू सेंटर करेंगे, तो हम इसको भी सेंटर से मेजर कर लेते हैं इस टाइप से। इस टाइप से हमने इसको सेंटर से सेंटर तक मेजर कर लिया, तो ये सेंटर था वॉल का इससे यहाँ से यहाँ तक, और ये सेंटर था तो यहाँ से यहाँ तक। अब ये यहाँ पे जो हमने लिया है और यहाँ पे जो लिया है ये इतना एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है टू टाइम्स, क्योंकि ये वाला जो एरिया था ये इस वाली वॉल में हमने कवर कर चुके हैं, और जब हमने क्रॉस वॉल के लिए कैलकुलेट किया तो हमने इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लिया, इसके कारण अब आ रही है एरर, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया हमें रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इसकी थिकनेस थी उसका हाफ है, ये सेंटर लाइन थी यहाँ पे तो ये हाफ है टोटल थिकनेस का, तो ये जो लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं हम सेंटर लाइन की उसमें से हम ये वाली थिकनेस रिड्यूस कर देते हैं। ये थिकनेस कितनी होगी, वॉल की थिकनेस की आधी, और इधर भी वॉल की थिकनेस की आधी। तो हम ये कह सकते हैं कहीं पे भी एक टी जंक्शन अगर बन रहा है तो उस केस में हमें एक जंक्शन के लिए कितनी थिकनेस कम करनी पड़ती है, हाफ ऑफ ब्रेड्थ। यहाँ पे भी
ये जो ब्रेड्थ है वॉल की, इसका जो हाफ है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट जो है वो रिड्यूस करना पड़ रहा है. सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाफ द ब्रेड्थ. जो भी वॉल की ब्रेड्थ है एक टी जंक्शन के कारण हाफ करना पड़ रहा है. अगर एक क्रॉस वॉल के लिए पूछा जाए, जैसे कि वहाँ डिटेक्शन मस्ट बी फ्रॉम द सेंट लाइन एट ईच जंक्शन, जैसे यहाँ पे इसने पूछा है, ये पूछा है जंक्शन के लिए, तो जंक्शन के लिए तो हम एक जंक्शन के लिए इतना यहाँ पे आधा माइनस किया ब्रेड्थ का. लेकिन अगर पूरी एक क्रॉस वॉल के लिए पूछा जाए तो ब्रेड्थ के इक्वल हो जाएगा. और ये कौन सी जंक्शन में आती है दिक्कत, जब टी जंक्शन बन रहा है, क्योंकि टी जंक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे नहीं आ रही थी. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक स्क्वायर जो होता है वो टू टाइम्स आ रहा है, लेकिन उसके कारण इधर जो स्क्वायर बनना था वो हमने मेजर नहीं किया था, तो वो कंपनसेट हो जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एस्टिमेट विच मेथड इज जनरली यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी. पीडब्ल्यूडी में जनरली मेथड यूज किया जाता है, वो किया जाता है लॉन्ग होल शॉर्ट होल मेथड. यहाँ पे एक और चीज़ है काम की है जो कि सीखने के लिए है. इसमें मेजर मेथड्स होते हैं, हमने जो पढ़े वो मेथड होते हैं लॉन्ग होल मेथड, शॉर्ट होल मेथड और सेंट लाइन मेथड, दो ही मेथड होते हैं. सो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें दो ऑप्शन तो ये अपने आप ही एलिमिनेट हो गए. ऐसे तो कोई मेथड हमने पढ़े ही नहीं है, शॉर्ट होल मेथड तो कोई मेथड नहीं था, लॉन्ग होल शॉर्ट होल मेथड मेथड था, क्रॉसिंग मेथड भी कोई मेथड नहीं. सो ये दो ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गए. अब आंसर होगा वो इन दो में से होगा. तो इस टाइप से कहीं पे चार ऑप्शन हैं, आप दो ऑप्शन कॉन्फिडेंटली अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपको पता है कि इन दो में से ही आंसर होगा, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेके, अगर आपको कंफर्म नहीं भी है बट आपको पता है इन दो में से कोई होगा, तो आप उसको अटेम्प्ट करने का रिस्क ले सकते हो. नेगेटिव मार्किंग है तो भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 to 1/4 होती है, और आपकी प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में कि आपका आंसर होगा वो सही होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, deductions for total length of the center line at the corner where two walls meet is. हमने पढ़ा था अभी कि इस टाइप से अगर है तो इस वाले corners के लिए तो हमें कुछ भी reduction नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनके कारण कोई error नहीं आ रही है. error आ रही थी इस टाइप की wall के लिए, cross wall के लिए. so यहाँ पे क्या होगा, two walls meet, deductions क्या होगा वहाँ पे, no deductions इस टाइप की, इसके लिए तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा. सो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. इसमें अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर आ गया, बेसिक ज्योमेट्री से आपने इसको समझ लिया अगर दोनों मेथड्स को, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. नेक्स्ट में हम वैल्यूएशंस के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.